धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी। आप जी जदों करतारपुर साहब वसाया महाराज ने, बहुत सारे सिख सेवक गुरु नानक देव जी की सेवा दे विच हाजिर हुए। गुरु नानक देव जी बार बार अपने सिखां नूं परख लैंदे सी, हुक्म दे के वेंदे सन साडा हुक्म कौन कौन मनदा है। जिहनूं हुक्म मनना आया उसे ने ही सिखी नूं कमाउणा सिखिया। उंज दिखावे आस्ते कोई जिन्ना मर्जी वड्डा सिख बनिया फिरे, गुरु दे उत्ते किसी दा दावा नहीं है। भावें गुरु नानक देव जी दे अपने दोवें पुत्र गुरु नानक पातशाह दे उत्ते पिता होण दा दावा करदे हन, पर जद हुक्म मनण दी गल आउंदी है तां गुरु नानक देव जी दोवां पुत्रां नूं भी बाकी सिखां दे बराबर ही परख के वेंदे। कुछ परखां गुरु नानक पातशाह ने कीतियां, जिस तरह साखी आउंदी है कि एक दिन गुरु नानक देव जी ने अपना एक लोटा गारे दे विच सुट दिता। सब तो पहला गुरु साहिब ने बाबा श्री चंद जी नूं कहा कि पुत्र, ये साडा लोटा चिकड़ दे विच डिग पिया है, तुसी सानू ये फड़ा दो कढ के चिकड़ विच्चों। बाबा श्री चंद जी कहन लगे, पिता जी आपां हुण एक लोटे की खातर थोड़ी अपने कपड़े गंदे करने, हाथ पैर मैले करने हन, लोटा तो लंगर चों कोई होर भी मिल जाएगा, बर्तन ही है ना, लंगर दे विच्चों होर बर्तन दिया के तुहानू दे दिने हाँ, दसो तुसी की छकना है। तो बाबा श्री चंद जी ने चिकड़ दे विच्चों ओ लोटा कढ के देण तो इनकार करता। फिर गुरु नानक देव जी ने अपने छोटे पुत्र लखमी दास जी नूं कहा कि पुत्र, तुसी जाओ ये चिकड़ दे विच्चों साडा बर्तन कढ के दिओ। उही जवाब श्री चंद जी ने देता, कहन लगे, पिता जी इस चिकड़ दे विच कौन वड़े, सारे कपड़े भी गंदे हो जाने हन, हत्थां पैरां नूं भी चिकड़ लगेगा, इहदे नालों चंगा आपां होर नवां बर्तन लै आईए, तुहानूं ओह लिया दिंदे हां, पर इस चिकड़ विच नहीं असीं वड़ सकते। फिर गुरु नानक देव जी ने भाई लहणा जी नूं आख्या। महाराज कहिंदे, लहणिया तू दस की करेगा, तू साडा वचन मनेगा कि साडे पुत्रां दी तरह ही सानू जवाब देगा, ये चिकड़ दे विच साडा लोटा डिग पिया है, तेरा हुण अंदर जान नूं मन करदा है कि तेरे मन च भी यही ख्याल है, कानू चिकड़ विच वड़ना है, कपड़े गंदे करने है, हाथ पैर गंदे करने, इहदे नालों कोई नवां बर्तन लिया दी। भाई लहणा जी ने हाथ जोड़ ले, कहिंदे, गुरु नानक पातशाह तुसी हुक्म करो, मेरे पातशाह दा जिथे भी हुक्म होवेगा असीं जावांगे, साडा तां धर्म ही है गुरु दा वचन मनना, असीं गुरु दा वचन मनण वास्ते ही गुरु दे दर ते खड़े हाँ। गुरु नानक पातशाह कहिंदे, फिर लियाओ चक के। भाई लहणा जी उसे वक्त ही चिकड़ विच वड़ गए, वो बर्तन वो लोटा चिकड़ विचों कढ के लियाए, धो के साफ करके गुरु नानक देव पातशाह दे अगे भेट कर दिता। बाकी दी संगत भी देख रही है। गुरु नानक देव पातशाह कहिंदे, देखो भाई ये तां सानू भी पता सी कि जिहड़ा बर्तन असी चिकड़ दे विच सुट्टिया है, जिहड़ा भी कोई इस नूं चुकण जावेगा उहदे कपड़े गंदे होणगे, उहदे हथ पैर भी लिबड़ सकदे हन,
पर असी तां संगत नूं इही दिखाउणा सी कि सिख वास्ते सब तो जरूरी है अपने गुरु का हुक्म मनना, ते उस हुक्म मनन दे बदले सिख नूं जिहड़ी मर्जी कुरबानी देनी पए, उहदे बदले च जो मर्जी कीमत देनी पए, सिख उही है जिहड़ा हर तरह की कीमत दे के भी गुरु के बचन नूं मनदा, गुरु के हुक्म नूं मनदा है। हुण गुरु का हुक्म मनदा कौन है? एडा वड्डा सिदक हरेक दे अंदर क्यों नहीं पैदा होंदा? इहदा कारण है गुरु दे उत्ते भरोसा होना, गुरु दे उत्ते नेचा होना। भाई लहणा जी नूं गुरु नानक देव जी दे उत्ते भरोसा है, उन्हां दा गुरु नानक देव जी दे उत्ते नेचा है, इस करके वह गुरु नानक देव जी का हर हुक्म मनते हैं।